महू तहसील की विधिक सेवा समिति कैंटू बोर्ड एवं रक्षा मंत्रालय के संयुक्त तत्वाधान में कैंटू बोर्ड की भूमि पर वृहद वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया है, जिसमें इंदौर जिला न्यायालय के न्यायाधीश सहित संभाग के समस्त न्यायाधीश एवं रिटायर्ड आर्मी इस पौधारोपण कार्यक्रम के अवसर पर जिला मजिस्ट्रेट भगवती प्रसाद शर्मा ने कहा कि कैंटू बोर्ड ने हमें पौधारोपण के लिए भूमि प्रदान की है। हम कैंटू बोर्ड का आभार मानते हैं एवं कैंटू बोर्ड ने ही 251 पौधों की सुरक्षा की भी जिम्मेदारी ली है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस वर्ष पूरे देश का तापमान 45 डिग्री से ऊपर रहा है। यही नहीं, अपने इंदौर जिले में भी 42 से 43 डिग्री तापमान रहा। यह सब पेड़ों की कटाई होने के कारण वातावरण असंतुलित होते जा रहा। हमें बारिश के मौसम में पौधारोपण भी करना है एवं उसके पालने और उसके बड़े होने की सुरक्षा भी जिम्मेदारी भी खुद ही को उठानी है। यह जो पौधा रोपण किया है इसकी जिम्मेदारी कैंटू बोर्ड ने उन्हें बड़े होने तक ली है, जो कि एक सराहनीय पहल है। इसके लिए कैंटू बोर्ड को धन्यवाद देता। सर, एक पेड़ माँ के नाम से आपने एक पेड़ लगाया, कितने? जैसा कि आप जानते हैं, बरसात का समय है और ये पेड़ लगाने का बिल्कुल सही समय है। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एवं स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के निर्देश पर हम जिला न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी एवं छावनी परिषद के सीईओ विकास, हमारी पूरी टीम, उनके सभी साथीगण यहां पर एक पेड़ मां के नाम लगाने का प्रयास किया है और इसकी देखभाल भी करेंगे। इसमें उनकी पानी देना, सुरक्षा करना, ये काम भी करेंगे और कोशिश रहेगी कि 80% से ज़्यादा पेड़ हमारे जीवित रहें। और जब ये कचनार के पेड़ पूरे लग जाएंगे तो कितना खूबसूरत वातावरण यहाँ निर्मित होगा, शायद लोग देखने भी आएं। तो मुझे आशा है कि इसमें से अधिकांश पेड़ अपने लगेंगे और इस प्रकृति को, इस पर्यावरण को हम लोग संरक्षित करें, सुरक्षित करें। हम कई जगह पेड़ लगा रहे हैं, जहाँ जहाँ हमको सपोर्ट मिल रहा है वहाँ हम जा रहे हैं, पेड़ लगा रहे हैं और ये भी देख रहे हैं कि उन पेड़ों का पूरी सुरक्षा हो, पूरा इंतजाम हो, उनका पोषण हो, जिससे वो एक बरसात और निकले और वो अपने आप ग्रो करें। तो आप सभी लोग सहयोग कर रहे हैं, इसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सर, किस तरह का मैसेज आप देना चाहते हैं? सर, मैसेज यही है कि अब अंतिम समय है, अगर इस प्रकृति को, इस पर्यावरण को नहीं बचाया तो हम सब लोग बड़े विनाश के कगार पर खड़े हैं और सभी को आगे निकल कर आना होगा कि एक आदमी या एक संस्था के बस की बात नहीं है। तो सभी को इसमें महत्वपूर्ण योगदान देना होगा, इस प्रकृति को, पेड़ों को संरक्षित करना होगा, तभी हमारा जीवन और आगे का भविष्य, बच्चों का भविष्य बचेगा, वरना सब खत्म हो जाएगा। थैंक यू। 20,000 पौधे झील और इसके आसपास के वातावरण के और इस पूरे सीजन में लगभग 58,000 पेड़ हमारा छावनी क्षेत्र में लगाने का लक्ष्य है। देखने में आता है सर, पहले तो पौधारोपण के कई पौधे सूख जाते हैं, इस बार कुछ ऐसी व्यवस्था पानी की, जैसे झील क्षेत्र के पौधों में तो अब हमने इसको फेंस भी कर रहे हैं, तो ये पौधे पशुओं से भी बचे रहेंगे और पानी तो बारिश का सीजन 3-4 महीने की दिक्कत नहीं है। जब भी ड्राई सीजन आएगा तो कोशिश करेंगे इनमें पानी डालें और मैक्सिमम, और बाकी आप नोट करेंगे छावनी क्षेत्र में मैक्सिमम पेड़ों की सर्वाइवल ग्रोथ फिर भी रहती है। पशुओं का जो नुकसान पहुँचता है, मवेशियों का, वो अलग है, तो उसको भी कंट्रोल करने की फेंसिंग के जरिए कोशिश कर रहे हैं। महू से सुनील काली की रिपोर्ट।